गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मुक्ता का दुनिया में आप लोग को स्वागतम फ्रेंड। चलिए इसी फूल सबको दे करके आपको गुड मॉर्निंग करते हैं फ्रेंड। आज हम अपना सारे गार्डन पूरा तो नहीं होगा फ्रेंड, थोड़ा बहुत जो है 50% दिखाएंगे गार्डन को फ्रेंड। तो देखिए मेरा सबसे पहले तो यहाँ पे ये फूल खिले हुए हैं, चांदनी जो एकदम स्मॉल वैरायटी का है वो सब कुढ़ी तो आ रहा है ये देखिए फ्रेंड, लेकिन जो फूल खिलते ना खिलते ये जल जाते हैं, इतना धूप है ना, यहाँ बारिश तो हुआ नहीं है। अरे देखिए फ्रेंड, ये एक दीवार में जो है वो फूल हो गया है वाटर कप। और इस साइड में देखिए फ्रेंड, ये जो मेक्सिकन पिटनिया है लोकल वाला फ्रेंड, ये सब तो बहुत है सारे गार्डन में, आप लोग को हम बताते रहते हैं। ये तो जंगल से भरे हुए रहते हैं, ये देखिए यहाँ अभी बारिश होगा तो इतना खिलेगा फ्रेंड। और धूप के कारण मेरा ये जो बेली का प्लांट एक ही सामने में लाए हैं, हालत इसका बहुत ही नहीं ठीक है देखिए, धूप के कारण। जब तक बारिश नहीं होगा फ्रेंड, ये नया नया जो कलिया निकालता है ये इसको जला देता है, इतना ज़्यादा धूप है फ्रेंड। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जेक्टो बड़ा सा ज़्यादा दिन का ये पौधा नहीं है फ्रेंड, लेकिन ये ज़मीन में है ना फ्रेंड, इसीलिए बहुत बड़ा हो गया है। थोड़ा बहुत तो कटिंग किए ही थे, लेकिन फिर भी बहुत फील मैंने फूल बहुत सारे खिले हुए हैं, बहुत सारे टहनी है। इस बार हम छोटा कर देंगे इसको, ऐसे तो और सारे हैं फ्रेंड, बहुत सारे हैं। और इतना धूप है, आप लोग को हम एक चीज दिखाते हैं, देखिए ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर भी है फूल नहीं हो पाता है अच्छा से, छोटा छोटा होता है। ये गुड़हल है, ये देखिए फ्रेंड, ये पौधा फूल होते ना होते इस तरह जल जाता है देखिए, ये है ना दिन भर में इस तरह हो जाएगा, इतना बड़ा सुंदर फूल होता है फ्रेंड। सारे के सारे मेरा धूप के कारण जितना खटना है खटते हैं फ्रेंड, लेकिन रहता नहीं है तो क्या कर, धूप धूप के पास हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये देखिए कितना फूल काल हुआ था, सारे किस तरह जला है देखिए, और यहाँ दिखाते हैं फ्रेंड, ये देखिए ये तो बहुत बड़ा मैंने पौधा हो गया है इसका, ये देखिए फ्रेंड ये बहुत बड़ा प्लांट बन गया है देखिए फ्रेंड, यहाँ पे यहाँ तो वो देखिए फ्रेंड इतना अच्छा नकचंपा हुआ है, लेकिन लंबा सा हो गया, हमको कटिंग करना है इस बार, ज़्यादा दिन का नहीं है फ्रेंड, ये 2 साल हुआ है ये प्लांट का, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। अरे हुआ है घेरा साइड, ये सब अभी नहीं दिखाते हैं, चलिए आगे जाते हैं। धरिया से देखिएगा फ्रेंड, ये देखिए यहाँ पर मैक्सिकन पिटोनिया कितना हुआ, और लाल घोड़ी का हालत देखिए मेरा फ्रेंड, ये बहुत अच्छा होता है लेकिन देखने में, लेकिन अभी जो है ना क्यार नहीं है तो इसका पौधा देखिए मुरझाया सा हो गया है। और यहाँ देखिए कितना ज़्यादा बटर कप खिले हुए हैं देखिए, अरे देखिए फ्रेंड, ये जो कवाड़ वाला है ना उसी पॉट में हम इस तरह यहाँ पे लगा के रखे हैं, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक सब कबाड़ का है फ्रेंड, यहाँ देखिए कबाड़ में लगा के रखा हुआ है। अरे देखिए फ्रेंड, येलो कलर का फोर्बिया मिली, और यहाँ है पिंक वाला, वहाँ पर भी हल्का येलो है। अच्छा चलिए फ्रेंड, 4 मिनट हो गया है, आप लोग का थोड़ा 5 मिनट देख लीजिए, बस हरियाली दिखा रहे हैं फ्रेंड, इतना धूप इतना गर्मी,
कितना मुश्किल से हम इस लोग को बचाते हैं सोच लीजिए। अरे देखिए फ्रेंड, छुई मुई, डोंट टच मी, ये देखिए। अरे देखिए फ्रेंड इधर, अभी नाम नहीं लेंगे, बस आप लोग देखते जाइए फ्रेंड। बस गर्मी में हम किस तरह फिर भी इसको रखते हैं और रखे हैं। अरे देखिए फ्रेंड, एक पौधा है रोड किनारे, आपको ये देखने को मिलेगा, इसको भी हम लगाए हैं। अच्छा येलो येलो फूल होता है फ्रेंड। और यहाँ पे सिंहोनियम, इस साइड से ये देखिए फ्रेंड मनी प्लांट हम ऐसे किस तरह लगाए हैं, कोई टाइप का हम डिजाइन देने वाले हैं। यहाँ पे मेरा बाल्टी है, उसमें नीचे में खाद है, तैयार हो रहा है। और इसमें मनी प्लांट जो है ना, सारे ठंडी में सूख गया था फ्रेंड। सूखे हुए को फिर हम डंडी में इसी तरह फंसा फंसा के ऊपर उठाए, जो जिंदा रहने का वो रह गया, और जो खराब है जल गया उसको काट के हम हटा दिए। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये पिछले साल फूल खिला था गमला में, आप लोग को हम दिखाए थे चांदनी बड़ा वाला, जब गमला खाली करने का था तो इसको हम जमीन में लगाया, कितना बड़ा पौधा हो गया देखिए। और यह एक ठो सिंगोनियम, और यहाँ है ये देखिए इस तरह क्रोटन है, जो आप लोग को देखने के लिए मिलते रहता है। और यहाँ फ्रेंड देखिए, वो जमीन में लगा हुआ है एक जोड़ा, और देखिए खिलना स्टार्ट हुआ है फ्रेंड। ये देखिए यहाँ पे क्रोटन है, देखिए कितना सुंदर सुंदर पत्ते हैं फ्रेंड क्रोटन। और यहाँ है अकलीफा, ये इसी कलर का है, लेकिन अभी ये सीजन में इसका पत्ते कलर चेंज हो जाता है। इसका भी पत्ता फ्रेंड कलर चेंज हो गया है, हो रहा है, इसको कटिंग किए थे तो इतना सुंदर सा हो गया। इसका भी देखिए फ्रेंड इस तरह है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मेरा एक जोड़ा का प्लांट है, बड़ा सा जमीन में है, ये देखिए यहाँ फूल आने लगा एक जोड़ा का। और ये भी आप लोग को पता ही है, हम कभी कभी दिखाते हैं। अरे देखिए सारे गमले में है जो दिखा रहे हैं फ्रेंड। यहाँ मैक्सिकन पिटोनिया, यहाँ क्रोटोन है, फोरबिया है, यहाँ क्रोटोन है, देखिए सदाबहार है, ये भी एक क्रोटोन है। इसका पत्ता देखिए इस तरह होता है, मैरून कलर का हो जाएगा फ्रेंड ये, ये देखिए। और ये देखिए हड्डी जोड़ का प्लांट है, ये देखिए ये है ना हड्डी जोड़ है। और ये देखिए यहाँ पे बटर कप, एक्लिफा। और ये देखिए फ्रेंड कलाडियम है, संध्या फूल है, यहाँ पे अजवाइन है, यहाँ रजनीगंधा है, एक जोरा है, यहाँ चांदनी है बड़ा वाला। ये सदाबहार जो है ना, छोटा छोटा पॉट में हम मैंने कबाड़ वाला जो है ना उसमें लगा कर रखे हैं, कोई पॉट नहीं है, ऐसे फालतू में है। और यहाँ देखिए फ्रेंड गॉम्फ्रेना का बड़ी मुश्किल से बचा के रखे हुए हैं, आप लोग को इसका वीडियो दिखा चुके हैं हम। और ये जो है ना फ्रेंड, ये बहुत सुंदर गमला में था ये, लेकिन ये जो है ना ड्रेसिना बहुत सुंदर था, बंदर जो है ना उसको पूरा तोड़ दिया, तो उसका कटिंग से फिर इसको हम तैयार किए हैं। और देखिए फ्रेंड यहाँ पे कितना अच्छा से ये सिंहोनियम है। और ये देखिए फ्रेंड मेरा एक दूसरा मनी प्लांट है। और देखिए यहाँ पे फूल तो नहीं खिल रहा, पता नहीं अच्छा से इस बार मेरा क्यों समझ में नहीं आ रहा है, धूप के कारण कि क्या। हाँ जब धूप हो जाता है ना उसका आगे जाके ना छोटा सा होकर जल जाता है, इसी कारण से मेरा ये मशरूज, हाँ प्रचुलिका, इसमें फूल नहीं आ पा रहा है, एक दो खिलता है बस ख़त्म। और देखिए इसमें बटर कप, और ये है मेरा संग ऑफ इंडिया, और कितना अच्छा इसमें अपने से हुआ है फ्रेंड, ये हम लगाए नहीं थे। और ये देखिए फ्रेंड यहाँ पर भी, और ये देखिए ड्रेसिना, इसको भी एक तोड़ के चला गया, देखिए
ये देखिए बंदर तोड़ दिया है, इसका ही काम है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हम जितना क्या गुलदावदी जो है ना जमीन में रखे हुए हैं, ये सारे को बारिश होगा ना थोड़ा सा भी तो सारे को हम गमला में करना स्टार्ट करेंगे। अरे देखिए हर सिंगर परिजात जिसको बोलता है, वो छोटा सा एक टहनी जैसे इतना सा हम पौधा लाए थे 1.5 साल पहले, तो उसको देखिए कितना अच्छे से बना लिए हैं, एकदम मरने जैसा हो गया था इतना गर्मी में, सारे को हम बहुत अच्छा बना लिए। ये देखिए फ्रेंड, ये दूसरा चांदनी है, तीन तरह के चांदनी तीनों है मेरे पास। गुलाब सबको देखिए छोटा प्रूनिंग किए थे लेकिन अभी तक अच्छा से हुआ नहीं, हो रहा है। ये देखिए कोढ़ी आ रहा है। और ये देखिए एरेलिया है। और यहाँ पर कितना सारे नाम ले फ्रेंड, ये देखिए यहाँ पे मेरा सिंहोनियम है, और ये संध्या फूल है, ये देखिए ड्रेसिना, वो देखिए वहाँ पर भी ड्रेसिना, मेरे पास 4 टाइप के ड्रेसिना है। और यहाँ तो फूल अभी आना बंद हो गया है, यहाँ पराजिता का, उसका सीजन होगा तो हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड यहाँ खाद का पानी है, उसमें भी है, ये खाद बना रहे हैं, इसमें खाद सेटिंग करके इसको मिट्टी लगा के रख दिए, इसमें कोई पौधा लगा देंगे तो हो जाएगा। और इसमें अभी तक खाद जमा कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, धूप से मेरा ये गंधराज को क्या हाल है, देखिए बहुत मुश्किल से इन लोग को बचाए हैं, बच रहा है, पता नहीं और क्या होगा, इतना धूप बारिश का नाम नहीं है फ्रेंड। और यहाँ पे है सारे मेरा, यहाँ पूरा मिला करके यहाँ 9 टाइप का, पूरा टोटल नहीं 11 टाइप का हिबिस्कस है। अभी सारे में फूल नहीं है इसीलिए आपको हम बता नहीं पाएंगे, इसीलिए ये मिर्ची वाला है फ्रेंड। और यहाँ पे क्रुसंडा भी है बस। और एक मधुमालती जो है देखिए फ्रेंड, ये देखिए इसको हम कितना छोटा से कटिंग लाए थे, और इसको हम ये अभी जो दिसंबर में था ना फ्रेंड, उसमें भी छोटा सा था, और अभी देखिए कितना बड़ा हुआ, और यहाँ लत्ती चला गया। देखिए देखते हैं फ्रेंड और क्या हो सकता है और क्या बना सकते हैं, आप लोग के साथ सारे शेयर करेंगे। और मेरा गार्डन आप लोग को कैसा लगा बताइएगा फ्रेंड, और बताइएगा कमेंट कैसे कैसे लगा आप लोग को। तो थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय। 12 मिनट हो गया, आप लोग धीरज से देखे होंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया, लाइक देने भूल गए तो लाइक दे दीजिएगा। बाय बाय।